तो गाइस इधर से ट्रेन आती है और तो गाइस इधर जाती है ट्रेन। गाइस मतलब ये जैसे भी माल रखा है तो इस माल के नीचे देखो गाइस ये लकड़ी का बोटा रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है कि इस माल को वापस उतर। गाइस ये बाइक जा रही है तो ये ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं, ये यहाँ आके गाड़ियों वाले उसको पूछते हैं कि भैया आपको कहाँ जाना है, भैया आपको कहाँ जाना है। रोकेंगे जो भी होगा तो इस जीपीएस में सब ऑफिस में पता लगेगा। तो गाइस इसलिए हमारी गाड़ी में अभी ये लगाएंगे, लगाने वाले मिस्त्री आएंगे। पंचर हो गया गाइस, जो बाहर का टायर था वो पंचर हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में स्वागत है आपका। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:10, तो अभी मैं उठा हूँ और हमारी गाड़ी है थोड़ी आगे खड़ी है पंचर की दुकान पे। और तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब फिर वीडियो को लाइक। तो गाइस जैसे शानदार शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस यहाँ से रायगढ़ अब ज़्यादा दूर नहीं है, 151 किलोमीटर और बचा है। तो अभी हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पंचर की दुकान पे और हम बना रहे हमारे टायर की पंचर। तो ये रहा ये टायर, पंचर हो गया गाइस, जो बाहर का टायर था वो पंचर हो गया। गाइस जो ये नट खोलने की मशीन होती है ये हवा से चलती है, हवा से चलती है मतलब इसके लगाने में 1 मिनट नहीं लगती, पूरे नट खोल देगी। और हम हाथ से खोले तो करीबन 10 या 15 मिनट लग जाती है हमारी को। यहाँ पे मशीन थी तो मशीन से खोल लिया। तो अब ये चेक कर रहे हैं कहाँ पे है पंचर। तो गाइस गाड़ी का टायर तो बन गया, अब तो बस टायर को लगाना है फिर यहाँ से निकलना है। गाइस रोड भी बहुत ख़राब है और यहाँ पे आई एक नदी बहुत ही बड़ी है, शानदार भी है, एकदम खुली जगह है। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं सिवनी शहर के अंदर और लमसम शहर तो पार कर दिया है, अब तो पूरा होने वाला ही है। और तो यहाँ से रायगढ़ है 80 किलोमीटर और है। तो गाइस हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है और अभी हमने डीजल चेक किया था, 6 अंगल तेल और है। और सामने होटल है, उधर चाय पीने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि गाइस इस टायर में ये छोटे छोटे पत्थर पस रखे हैं जिनको बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो टायर टूट सकता है। तो जो ज़्यादा बड़े पत्थर होते हैं उनको निकालना पड़ता है, छोटे पत्थर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस साइड से मैंने निकाल दिया है और अब इस साइड से निकालना है। तो ये भाई बड़े बड़े पत्थर हैं, इन सबको निकालना पड़ता है। तो भाई जो सामने वाले से पार्टी है वो कॉल कर रही है बार बार क्या जल्दी आओ जल्दी आओ। तो गाइस हमने कंटिन्यू 700-800 किलोमीटर निकाल दिए कल सुबह से लेके आज सुबह तक, करीबन अभी तक 24 घंटे हुए। तो गाइस जो ये सामने बड़ी मशीन है ये एक LNT मशीन की लगी हुई है और ये यहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं, तो ब्रिज बनाने के लिए गड्ढा कर रहे हैं। तो ये सामने रेलवे फाटक है तो यहाँ पे बहुत ही बुरा ट्रैफिक लग रखा है और गाइस पिच बहुत ही लंबा लग रखा है और जो यहाँ का रोड है बिल्कुल थोड़ा सा ख़राब है। हम कंटिन्यू चल रहे हैं 10 किलोमीटर से, ऐसे ही डोंगर आ रहा है और ये हाईवे है तो बिल्कुल नज़दीक है डोंगर के, और पीछे भी गाड़ियाँ आ रही है और आगे भी चल रही है। गाइस जो सामने आ रहा है वो रेलवे ब्रिज है और यहाँ पे बड़े बड़े लाइट के पोल भी लगे हुए हैं। तो गाइस ये जो लाइट जा रही है वो तो बहुत वोल्टेज की मतलब बहुत भारी लाइट है और ये जा रहा है वो रेलवे ब्रिज है, तो हमारे को इस रेलवे ब्रिज के नीचे से जाना है। गाइस हम कंपनी में पहुंचने वाले हैं जहां से हमारी गाड़ी लोड होगी। तो सामने वाली कंपनी का नाम है जिंगल और सामने से जो गाड़ियां आ रही है वो लोड होके आ रही है, कोई गाड़ियां खाली होने के लिए जा रही है। और यहां पे थोड़ा सा पहाड़ी इलाका आ जाता है तो बंदर ही बंदर बैठे हैं। जंगल का ट्रांसपोर्ट है, यहां पे बहुत ही गाड़ियां लग रखी है, क्या बताऊँ। गाइस इधर भी टेलर बहुत खड़े हैं और इधर भी खड़े हैं और गाइस पीछे भी बहुत टेलर खड़े हैं, क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा संख्या में टेलर खड़े हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाले माल देते हैं टेलर वालों को। और इधर भी खड़ी है, बारिश आ गई। गाइस जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये GPS है जो हमारी गाड़ी में लगेगा, जो माल लोड करेंगे ट्रांसपोर्ट वालों ने बता दिया कि आपकी गाड़ी लोड हो जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट वालों ने ये हमारे को GPS दिया है। तो गाइस ये GPS इसलिए दिया है कि हम माल लोड करने के बाद, देखो गाइस यहाँ पे मेरी गाड़ी नंबर दिए हुई है और यहाँ पे मेरे ये ड्राइवर के कॉन्टेक्ट नंबर है। तो गाइस यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसको क्यों लगाएंगे गाड़ी के अंदर,
इसको गाड़ी में ऐसे लगाएंगे। गाइज हमारी गाड़ी के अंदर माल भरने के बाद जहाँ पे भी हम गाड़ी रोकेंगे तो कंपनी को पता लगेगा कहाँ पे गाड़ी रोक की है, और इसके बाद हमारी चलने की स्पीड क्या है वो भी कंपनी में पता लगेगा कि अभी गाड़ी कितने की स्पीड में चल रही है। तो गाइज हम जहाँ पे गाड़ी रोकेंगे जो भी होगा तो इस जीपीएस में सब ऑफिस में पता लगेगा। तो गाइज इसलिए हमारी गाड़ी में अभी ये लगाएंगे, लगाने वाले मिस्त्री आएंगे। कि गाइज ये बाइक जा रही है तो ये ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं, या यहाँ आके गाड़ियों वाले को पूछते हैं कि भैया आपको कहाँ जाना है, भैया आपको कहाँ जाना है, भैया आपको कहाँ जाना है, ऐसे अलग अलग मतलब अलग अलग स्टेट के है ये, अलग अलग स्टेट या मतलब अलग अलग स्टेट के अंदर गाड़ी लोड कर करके यहाँ से भेज देते हैं। इनके पास कॉन्टेक्ट रहते हैं, ये फिर हमारे को मतलब गाड़ी लोड करवाते हैं। तो गाइस जो आगे वो टेलर खड़ा है, वो टेलर लोड होके आ गए, तो अभी इनके अंदर जीपीएस नहीं लगा है। जीपीएस लगाने के बाद वो यहाँ से जाएंगे, जब तक यहीं खड़े रहेंगे। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी है, और जो ये सामने शहर है तो गाइस ये रायगढ़ शहर है, और तो हमारी गाड़ी लमसम भोपाल की लोड हो सकती है। दो तीन बार हमने बोला था कि हमारी गाड़ी भोपाल की लोड करवाना। गाइस हम इस पार्किंग से जा रहे हैं गाड़ी लोड करने के लिए। ओहो भाई ब्रेकर भी बहुत बड़ा था, मेरे को तो पूरा ही ला दिया। वो ऑफिस है, वहाँ पे गाड़ी के कागज़ वगैरह चेक होते हैं, और इधर फैक्ट्री का काम चल रहा है, तो फैक्ट्री के अंदर घुसने का रास्ता यही है गाइस। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है 4:30, और हमारे गाड़ी वहाँ खड़ा है, अभी तक नंबर नहीं आया, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। गाइस हमारा डीओ आ गया, ये मैसेज आ गया फ़ोन में, तो मैं लेने के लिए आया हूँ इधर। हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, हम लेके जाएंगे हमारी गाड़ी को अंदर। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, और हमने गाड़ी कांटे करवा लिया, अब हमारी गाड़ी जा रही है लोड होने के लिए, सामने होएगी। हमारी गाड़ी खड़ी है पीछे पीछे, और ये है फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के अंदर से होगी हमारी गाड़ी लोड, और मैं उधर डीओ जमा करवा के आया हूँ। और तो गाइस जो मेरी गाड़ी का नंबर आया पीछे पीछे, तो ये फैक्ट्री रात भर चलती है, तो रात में लोड हो जाएगी। तो गाइस इधर से ट्रेन आती है, और तो गाइस इधर जाती है ट्रेन, दिन में आती है, अभी तो पता नहीं आएगी या नहीं। और हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी आगे लोड होने के लिए लगाई हुई है, वहाँ से लोड होएगी। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है 10:55, और हमारी गाड़ी लोड होने लग गई है, जो क्रेन जा रही है इस क्रेन से हुई थी। तो गाइस अभी एक पीस रखा है, तो गाइस इस प्लेट के अंदर 6.5 टन वजन है एक प्लेट के अंदर, और तो गाइस एक प्लेट तो रख दी है, और वो क्रेन गई है एक प्लेट और लेके आएगी। तो गाइस यहाँ से 4 माल भरेंगे, फिर हमारे को दूसरा गोडाउन में जाना पड़ेगा, वहाँ से 2 माल और रखेंगे, तो हमारी गाड़ी के ऊपर आएगा कुल 6 पीस। गाइज मतलब ये जैसे भी माल रखा है, तो इस माल के नीचे देखो गाइज ये लकड़ी का बोटा रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है कि इस माल को वापस उतारेंगे तो उतारने में आसानी होगी, और जो हम टाइल लूर लगाएंगे तो टाइल लूर लगाने में भी हमारे भी आसानी होगी, और जो रास्ते का सफ़र है सफ़र भी अच्छा निकलेगा, इसलिए ये लकड़ी लगाई है, क्योंकि ये जंप नहीं लेगा रास्ते के अंदर। और तो गाइज अभी एक प्लेट आई है, ऐसी 5 प्लेट और आएगी। उम्मीद करता हूँ गाइज आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो गाइज पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज ऐसे शानदार शानदार वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चलो गाइज नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।